अच्छा नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है उसमें हम विजुअल कंपोजर के कुछ सोशल आइकन को देखेंगे, कैसे ऐड करना है उसमें। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले, अच्छा मैसेज बॉक्स को भी हम इंस्टाग्राम साथ ही देख लेते हैं, उसके बाद फेसबुक, ट्विटर और गूगल प्लस बटन और पिंट्रेस्ट बटन को कैसे हमने ऐड करना है। जो चारों के चारों हम पाँच जो हैं एक में ही डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम मैसेज बॉक्स को देख लेते हैं। अब मैसेज बॉक्स में क्या है, जो मैसेज बॉक्स शो करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास अगर स्टाइल का स्टैंडर्ड है 3D सॉलिड, जो भी आप रखना चाहते हो, ठीक है, वो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। और शेप राउंडेड होनी चाहिए, ठीक है, राउंड होनी चाहिए, जिस तरह की भी आपने करनी है, वहाँ से स्क्वायर करनी है, वो आप यहाँ से कर सकते हो। अब यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है, ठीक है, इस तरह से। कलर उसका क्या होना चाहिए, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसकी जो है आइकॉन लाइब्रेरी आपने कौन सी यूज़ करनी है वो आप कर सकते हो, ठीक है। आइकॉन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो कोई भी। अब मैसेज बॉक्स प्रेजेंट क्या करेगा, ठीक है, वो इंफॉर्मेशनल है, वार्निंग है, सक्सेस है, एरर है, ठीक है। वार्निंग क्लासिक क्लासिक सक्सेस क्लासिक एरर क्लासिक, ठीक है, यहाँ से आप जो है सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब उसकी जो आइकन लाइब्रेरी है, यहाँ से डिफरेंट आइकन ले सकते हो आप, जो भी आइकन। यहाँ पे मैंने वार्निंग का जो आई थिंक सिलेक्ट किया, यहाँ से वार्निंग का अगर मैं सिलेक्ट करूँ या तो ये हमारे पास आइकन यहाँ पे चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ से जो भी अपना आइकन लेना वो आप ले सकते हो यहाँ से, ठीक है। मैं एरर को अगर कर देता हूँ तो उसका यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है, और एरर का आइकन भी ये हो जाएगा चेंज, ठीक है, क्योंकि एरर का आइकन इस तरह का था, ठीक है। मीडिया ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट जो भी आपने यहाँ पे ऐड करनी है वो आप कर सकते हो, ठीक है ये, और उसको एनिमेट करना या नहीं करना वो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। और डिज़ाइन ऑप्शन मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ, ठीक है, ये मैं इसको ऐड कर देता हूँ और मैं इसको कॉलम में कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ फेसबुक बटन, ठीक है, फेसबुक लाइक। फेसबुक लाइक की कोई सेटिंग नहीं है, बस इसको आपने ऐड कर देना, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रखना, हॉरिजॉन्टल विद काउंट जिस तरह आपने रखना, ठीक है। एनिमेट उसको करना है या नहीं करना, डिज़ाइन वो ऑलरेडी ठीक है, वो होता है, इसको ऐड कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से ट्विटर का कर देता हूँ। ट्विटर का ये कि आपने इसका यूज़र नेम भी देना होता है, ठीक है। यहाँ पे शेयर विद लिंक है, ठीक है, फॉलो है, जो भी आप करना चाहते, ठीक है, फॉलो अगर करना चाहते एट UVA ठीक है, ठीक है, ये यूजर नेम है, ठीक है। और शो यूजर नेम यस, शो फॉलोइंग काउंट यस, अगर काउंटर आप यूज करें, लार्ज बटन आप यूज करना चाहिए, ठीक है। और ऑप्शन आउट ऑफ ट्रॉलिंग ट्विटर, ठीक है, ये भी अब डिफरेंट। अब जो लैंग्वेज है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा, ठीक है। और डिज़ाइन सेम वही पिछले वाले हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है गूगल प्लस का बटन है, ये भी इसमें भी कोई हमारे पास नहीं है सेटिंग्स, बस ये है कि स्टैंडर्ड है, स्मॉल है, मीडियम टॉल इस तरह का आप रखना चाहते हो, ठीक है। बबल है, इनलाइन है, नॉन जो उसका एनोटेशन होगा और एनिमेशन, ठीक है। डिज़ाइन ऑप्शन वही, उसकी बॉर्डर कलर और बॉर्डर स्टाइल और रेडियस और बैकग्राउंड कैसी होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह मैं अगर यहाँ से ऐड कर लूँ ये वाला पिंटरेस्ट का, अच्छा अब इसका भी जो है बटन टाइप कैसा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल या जिस तरह होना चाहिए वो आप करवा सकते हो, ठीक है। एनिमेशन और जो भी है इस पर भी कोई नहीं है। डिज़ाइन ऑप्शन वही सेम है, वाटर कलर और बैकग्राउंड वगैरह, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ और मैं इसको यहाँ से अपडेट करता हूँ। अपडेट होने के बाद हम पेज को व्यू करेंगे कि इसमें हमारे पास ये चीज़ें किस तरह जो है शो हो रही हैं, ठीक है। मैं इसको न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ, अभी जो है अपडेट हो जाता है। तो अपडेट तो हो गया, अब हम पेज देख लेते हैं हमारे पास किस तरह का व्यू आ रहा है। ओके
के पेज भी रिफ्रेश हो गया, तो ये इतना हमारे पास जो है ऐड हो गया। जो ट्विटर पर फॉलोवर्स 45 है, गूगल प्लस पे कोई भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इसको आप क्लिक करके जा सकते हो गूगल प्लस में भी, ठीक है। और ये मतलब फेसबुक लाइक, अब पहले कोई था, मैंने क्लिक किया तो 1 हो गया, ठीक है। इतना पिन इट अगर करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह जो है सोशल आइकन को भी आप ऐड कर सकते हो। और ये हमारे पास जो हमने मैसेज बॉक्स ऐड किया था, ये वो हमारे पास मैसेज बॉक्स है। टेक्स्ट मैंने ऑलरेडी जो लिखी हुई थी वही छोड़ दी थी, आप कोई भी टेक्स्ट जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हो जो आप करना चाहते हो।